मैं रंजना शुक्ला रिपोर्टर पोस्ट से। आज हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने 2012 के दिल्ली में छावला के 19 साल की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार करके और उसकी हत्या कर देने के केस में तीनों आरोपियों को बरी कर दिया है। घटना 2012 की है जहां ट्रायल कोर्ट ने तीनों आरोपियों को मौत की सजा सुनाई, वहीं हाई कोर्ट ने तीनों आरोपियों के सजा को बरकरार रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोनों कोर्टों के आदेशों को पलट दिया, ये कहते हुए कि उन तीनों आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला पुलिस इन्वेस्टिगेशन और न्यायपालिका पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो के 11 रेप आरोपियों को समय से पूर्व रिहा कर दिया है। बिल्किस बानो केस में राजनीतिक लोग अपनी रोटियां अपने ढंग से सेक रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि आज देश में नारी की सुरक्षा रावण की तरह खड़ी है। निर्भया कांड के बाद देश में नारियों की सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन किया गया और पार्लियामेंट ने रेप से संबंधित कुछ कड़े कानूनों का प्रावधान भी किया। इसके बावजूद देश में प्रतिदिन रेप केसेस की संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। अगर हम रेप के केसों के आंकड़ों के ऊपर नज़र डालें तो 2019 में 32,032 केसेस थे, जो कि 2020 में घटकर 28,046 हो गए। फिर वही केसेस 2021 में 31,677 पर आ गए। वहीं हम कन्विक्शन रेट पे नज़र डालें तो होम मिनिस्ट्री के डाटा के हिसाब से 2018 में 27.2%, 2019 में 27.4% और 2020 में 39% आंकड़े बताते हैं। ऐसे में महिलाओं और नारी संगठनों का ये मानना है कि हर जिले में स्पेशल महिला पुलिस टीम का गठन होना चाहिए। हर जिले में इस तरह के केसेस के लिए इन्वेस्टिगेशन चार्जशीट एक महीने के अंदर पूरा किया जाना चाहिए और रेप केस के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी गठन होना चाहिए, इससे समय पे आरोपियों को सजा मिले और समाज में अच्छा मैसेज जाए। धन्यवाद।